फिर वही लाइट्स कैमरा, देखते देखते एक सदी बीत गई। मैं गवाह हूँ इस दुनिया का, पर्दे के पीछे और आगे का। बस उस समय के बारे में सोचो जब भारतीय अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। हमारी सिनेमा ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली मुख्य फिल्म बनाई, जिसे दादा साहेब फाल्के ने बनाया था। धोंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहेब फाल्के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक थे, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। कैमरा, आता मैं तुम्हाला काय सांगू, ब्रिटिश राज्यात मी फक्त एक चित्रपट पाहिला आणि जणू मला वेडच लागले। त्या क्षणी मी माझ्या मनाचा निश्चय केला की मी सुद्धा माझ्या स्वतःचा एक चित्रपट काढेन, म्हणजे काढेनच। चला यारे सगळे। उन्होंने पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र को जारी किया, जो कि भारतीय सिनेमाई इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उनके लगातार विश्वास और अग्रणी प्रयासों ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी। वे एक दूरदर्शी थे जिन्होंने फिल्म माध्यम की क्षमता की भविष्यवाणी की और लोगों को इसके सांस्कृतिक और वित्तीय मूल्यों का एहसास भी किया। अपनी निरंतर प्रतिबद्धता और बयाना प्रयासों के माध्यम से सिनेमा आज की दुनिया में भारतीय संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। उनके नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के दायरे में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो हर साल फिल्म माध्यम के प्रतिष्ठित योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। भारतीय पौराणिक देवी देवताओं के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के लिए भी काम किया और कला के बारे में अधिक जानकारी हासिल की। राजा रवि वर्मा ने भी उन्हें फिल्म बनाने के हेतु आर्थिक सहायता की। त्या चित्रपटामुळे माझे डोळे कमकुवत झाले, पण मी एकदा ठरवले म्हणजे ठरवले। काय म्हणता मग कॅमेरा राव? ऍक्शन। हरिचंद्राची